शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से लोगा तुम्हारा इस घर में आखिरी थे मेरी जिंदगी की नई सुबह। बुआ जी, आज के लिए आप तैयार हैं ना? श्रद्धा, वैसे तो आप तैयार हैं, लेकिन हमारा दिल जोर जोर से बहुत तुक तुक कर रहा है। देखो बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आगे चलिए, मैं आरती को लेकर आती हूँ। आज आपके हाथों हमारी किस्मत की लकीरें खींची जाएंगी। बुआ जी, आप आगे चलिए, मैं आरती को लेकर आती हूँ। आरती कहाँ चली गई? उसे फोन लगाती हूँ। यार, ये भाभी फिर फोन कर रही है। तो तू क्यों तड़पा रही है अपनी आखिरी दिन की भाभी को? उठा लेना फोन एक बार। बार बार फोन करे जा रही है। एक बार उठा ही लेती हूँ फोन, देखती हूँ क्या बोल रही है। उठा लेना। हेलो। हाँ भाभी, बोलिए। आरती, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ हो अभी के अभी? हमें वहाँ यहाँ आपको जहाँ भी जाना है ना, आप जाइए, पर अपना मुझे परेशान मत करिए। आपको ढिंडोरा पीटना है आप वो भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आरती प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो आरती, मैं घर पे ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे जो पता मैंने तुम्हें भेजा है वहां चली जाओ। तुम्हें उस कुनाल की असलियत अपने आप पता चल जाएगी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तुम मुझसे आज मिलने के लिए कहो, तुम देखना वो तुम्हें मना करेगा। अब क्या चाहिए उसे? एक मिनट। हाँ, हेलो कुनाल, अभी कहाँ हो तुम? जान, मैं ना आज लखनऊ आया हूँ जरा काम से। तुम्हारे लिए ना चिकन की स्पेशल वाली कुर्ती लेके आऊंगा कल। पक्का? ठीक है, चलो। अच्छा, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। चलिए आज मिलते हैं आपसे रीता जी। एक बार जो ये एड्रेस भेजा है इस पर आ जाओ, तो फिर तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो कुनाल जी, हम आ चुके हैं, आप आ जाइए। और हाँ, हमने बैंगनी रंग का सूट पहना है। बस अब और इंतजार नहीं, आ रहा हूं मैं आपके पास। Thank you.
सारे? हम ही हैं, रीटा। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा काम। आपने अपनी उम्र 20-22 साल के आसपास बताई थी ना? हाँ, वो उसमें थोड़ा 5-6 साल जोड़ दीजिए। बस 5-6? मेरा मतलब, माफ कीजिएगा, आपको देखने से लगा ही नहीं। हाँ? मेरा मतलब, माफ कीजिएगा, मेरी मीटिंग आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे अरे, बात नहीं कुणाल जी, हम ही पागल हैं आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगे, क्या क्या सपने देखने लगे। हमें लगा हम आपसे मिलेंगे, आपके साथ कॉफी पियेंगे, अपनी पसंद के आपके लिए कपड़े खरीदेंगे, पर हम समझ सकते हैं हम आपके लायक नहीं, इसलिए आप हमें पसंद नहीं करते। अरे ऐसा कैसे मान लिया आपने? अब आपकी गलत फहमी तो दूर करनी ही पड़ेगी ना, माफ करेंगी ना मुझे आप? जी जरूर, मगर आपको ये बताना होगा कि कौन सी गलती के लिए आपको माफ करना होगा। माफी दीजिए, क्योंकि जो बात मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए ना, वो अब बता रहा हूँ। आपकी आवाज और ये आंखें ऐसी हैं कि बस देखता रहूं, सुनता रहूं। पतीला भर के झूठ परोस रहा है मगरमच्छ कहीं का? सच सच बताइएगा, आपने अपनी उम्र बढ़ा के बताई ना मुझे, हम दोनों में दूरियां बनाना चाहती है ना? 22 साल से ना एक दिन ऊपर नहीं है आप। मगरमच्छ? क्या मछली? आपकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह है, इसीलिए जाइए, आपके झूठ के लिए हमने आपको माफ किया। और हाँ, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए, आप मना तो नहीं करेंगे? माफ कीजिएगा, हमें एक और तोहफा आपके लिए लेकर आए। सच? अरे रीता तुम भी न... हाँ, मेरा मतलब रीता जी, दिखाइए ना। लेकिन क्या है ना, हम आपको तोहफा तो दिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि क्या है ना, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो तोहफा देखने का मजा ही कुछ और है। चलिए आंखें बंद कीजिए। अब हम तो आपके गुलाम हो गए, चलिए ऐसा ही सही। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, आंखें खोल के दोबारा आपका खूबसूरत चेहरा फिर से देखें। तोहफा महंगा हो तो इंतजार कैसे हो, अब दिखा भी दो। क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने नहीं दे सकती हूँ, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से लड़ाई की, क्या कुछ नहीं किया मैंने, और तुमने, तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। चल, मैं ही गधी थी,
जो तुम्हारे चक्कर में आके मैंने क्या कुछ नहीं किया। नहीं आरती ऐसा नहीं है। अरे तुम्हें तो पता है तुम्हारी ये श्रद्धा भाभी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे फंसाने का। जिसके पास तुम हो मुझ जैसा कोई लड़का ऐसी आंटी के चक्कर में क्यों फंसेगा तुम ही बताओ। हे आंटी किसको बोल रहे हैं? और हमारी आरती से दूर रहे। हमारा नाम रितु है, रितु बुआ। अब तू देख तुझे कैसे अंकल बनाते हैं हम। देखो आरती, इसमें इसकी सारी करतूतें हैं। आरती तुम किसका यकीन करोगे? इन लोगों का जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उसका जो तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है? प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी जानते हो तुम क्या होता है? प्यार के नाम पे ना तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, सिर्फ झूठ बोला है तुमने। मुझे ना अब कोई सफाई नहीं चाहिए। हो गया, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। एक चीज बता, क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों बोलो। आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझे फोन करने की कोशिश करना, क्योंकि तुमने ना सब बर्बाद कर दिया है, सब खराब कर दिया है तुमने। आरती चल। मेरा साथ मत छोड़ो आरती। साथ तो तुमने छोड़ा है कुणाल, अब हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो कुणाल। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेबी, बहुत खर्चा कराया तुमने मेरा। जब तोहफे दे रहा था तब तो धोखा नहीं दिखाई दिया तुम्हें मेरा, तब तो दोनों हाथों से ले रही थी। बहुत अच्छा हो जो तुम्हारा ये रूप भी देख लिया। तोहफा चाहिए ना तुम्हें, ये लो, यही रिंग दी थी ना तुमने प्यार के नाम पर, ये भी दिया था ना तुमने, इसे भी रखो तुम। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा मुझे। तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा आरती। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो कुणाल। हाथ छोड़ो आरती का, वो मैं और आरती देख लेंगे, समझी? श्रद्धा तुम ठीक हो? कुणाल तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी भाभी को हाथ लगाने की? तुम क्यों सुन रही हो उसकी आरती? ये तो चाहती है हम अलग हो जाएं। सही नाम रखा है सबने तुम्हारा, नलायक। घर की मुश्किलें कम नहीं हो रही, दुकान में आग लगकर राख हो गई है दुकान। लेनदार सर पर बैठे हैं और इन्हें चिंता ही नहीं है। कर लो बड़ी बड़ी बातें इनसे। अरे पर कोशिश तो कर रहा है ना ये, और अगर आप इतनी देर यहाँ खड़े रहे तो आपके पैर की तकलीफ और बढ़ जाएगी। और मेरी तकलीफ ये है, हालत देखिए इस कमरे की। तुम श्रद्धा को कुछ भी कह लो, लेकिन सच तो ये है कि श्रद्धा के बिना ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज तक क्या किया इसने, क्या साबित किया इसने, कोई जिम्मेदारी उठाई है इसने? चाचू क्या हो गया, कुछ बात हुई है क्या? जिसको ऐसा गैर जिम्मेदार बेटा मिला हो वो रोने के अलावा और क्या कर सकता है? बस आंसू पी रहा हूं मैं। हाल देखा इसका,
तुम रहने दो, दुकान मैं खुद संभाल लूंगा, तुमसे ना हो अब कुछ। मुझे बहुत कुछ खरीदना है, वफादार, रिश्ते, खुशियां, सुकून, प्यार, मैं सब खरीदूंगा क्योंकि सब मिलता है बाजार में। अब चाचू, वो एक्चुअली मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि पापा नीचे गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं, आप चलिए, मैं अभी से बात करता हूँ। खुद का अपना जवान बेटा लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए बड़े भाई का बेटा आ रहा है, और कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? चलिए चलिए। अभय, चाचू के सामने अपना हुलिया, अपनी हरकतें ठीक रखा कर, ऐसी बीपी बढ़ता है उनका। तू मत शुरू हो जाना, सर आगे घूम रहा मेरा। सही नाम रखा है सबने तुम्हारा, नलायक। घर की मुश्किलें कम नहीं हो रही और इन्हें चिंता ही नहीं है, कर लो बड़ी बड़ी बातें इनसे। जिसको ऐसा गैर जिम्मेदार बेटा मिला हो वो रोने के अलावा और क्या कर सकता है? जब श्रद्धा इस घर से मेरी जिंदगी से चली जाएगी ना, बेटे होने के सारे फर्ज निभाऊंगा पापा। हिम्मत कैसे हुई तेरी है? हमारे घर की बहू को ऐसे धक्का मारने की? अब आप दोनों बिल्कुल चुप। चलो तो छोड़ो उसका। मैंने कहा आरती का हाथ छोड़ो। हाँ। अरे क्या कर रही हो आंटी? ए आंटी होगी तेरी माँ। अभी तो 5 मिनट पहले बेबी की आंखें बहुत पसंद है, बेबी की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, ये अचानक अब आंटी? अब तो देख ही आंटी तुझे पटक पटक के कैसे मारती है। तू हमारी आरती को फंसा रहा था, अभी उसकी रितु बुआ जिंदा है। तेरा इलाज ना मुझे पहले दिन ही कर देना चाहिए था, ये सब तेरा ही किया था ना। आज के बाद तुम आरती के आसपास भी नजर नहीं आओगे, ना तुम उसे फोन करोगे ना उसे मिलने की कोशिश करोगे, समझे? निकलो, निकलो यहां से। आरती, आरती अपनी ऋतु बुआ के होते हुए क्यों रो रही हो? रोना बंद करो, देखो देखो सब ठीक हो गया। नहीं रोऊंगी तुम, तुम्हें पता है मैंने उस कुनाल को ना मगरमच्छ कह दिया, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आया, सब हमारी तरह इतने समझदार नहीं होते। अब रोना बंद करो और देखो, वक्त रहते सब कुछ हमें पता चल गया। अरे तुम रोना बंद करोगी तब तो तुम शुक्रिया अदा करोगी ना, हमारे परिवार का सच्चा रक्षक तुम्हारी ये भाभी श्रद्धा। तुम्हें पता है उस गधे से बचाने में सिर्फ और सिर्फ इसका दिमाग लगा हुआ था, तुम्हारी भाभी ने ये सब किया। भाभी थैंक यू सो मच, आपने मुझे सच में बचा लिया। अरे 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 ये क्या बात हुई? हाँ माना कि श्रद्धा ने दिमाग लगाया था, लेकिन देखो मैदान में तो हम उतरे थे, जरा हमारे भी गले मिल लो। आ जाओ, बस रोना बंद। तुम्हें पता है आरती, हमने मन्नत रखी थी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे, तो अब हम मंदिर होकर आते हैं, तुम दोनों सही सलामत घर पहुंचे, ठीक है? और अब रोओगी नहीं, बस
बस। दिल भर आता ना तुम्हारा कुणाल का नाम सुनते, तो क्यों हो मेरे साथ? तो ये 7 दिन का नाटक करके क्यों चोट बचाना चाहती हो मुझे? और अभी बोलना चाहती हूँ या फिर कुणाल? श्रद्धा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, इसे संभल कर साथ ले जाओ। जाओ जाओ तो। अरे श्रद्धा क्या हुआ? श्रद्धा तुम तो ऐसे गले मिल रही हो जैसे हमेशा के लिए इस घर से विदा हो रही हो, क्या हुआ? सब ठीक है? जो तुमने आरती के लिए किया कोई नहीं करता है किसी के लिए। देखना जैसे ही तुम घर पहुंचोगी बहुत सारा प्यार तुम्हें मिलेगा। भाभी घर चले? हाँ हम दोनों जाएंगे मगर अपने अपने घर। अरे दिखा तो सही कीर्ति। नहीं अरे दिखाएगी नहीं तो कैसे बताऊंगी बेटा मैं। अरे हे भगवान तुम ये स्किन एलर्जी से परेशान हो गई? शोर तो ऐसे मचा दिया था मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हल्दी चंदन लगा देती हूँ, देखना 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, मैं लेकर आती हूँ। आपको कभी हमारी फिक्र हुई जो आज होगी? कीर्ति तुम्हारे लिए देसी घी का लड्डू लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे के लिए बड़े फायदेमंद होंगे। आप भी देसी घी के लड्डू? अच्छा ठीक है खा लेंगे। देख बेटा अब तू माँ बनने वाली है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी, तुम्हें अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना होगा, ठीक है? कीर्ति ये बदबू कहां से आ रही है? हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही। बदबू? अरे मम्मी नहीं आ रही बदबू। तो रुक आ रही है बदबू, यही कहीं से आ रही है। जी कीर्ति पता नहीं कब से ये खाना यहाँ पर सड़ रहा है और तुम ना सफाई तो छोड़ो तुम, ये सब क्या है कीर्ति? अरे हम इसे फेंकना ही भूल गए। अरे वो माँ के सामने ले जाकर फेंकते तो उनका दिल टूट जाता ना। मतलब 100 बार उन्हें समझाए हमें ये घी वाला हलवा नहीं खाना, हमें नहीं पसंद, हमें ना बाहर का कुछ चटपटा सा खाना है, पर नहीं हर बार ये हलवा लेकर आ जाती है पौष्टिक है पौष्टिक है। एक बात ना 100 बार समझाओ समझ ही नहीं। तुम्हें याद दिला दूं तुम्हारा इस घर में आज 7वां दिन खत्म और हमारा ये जो ये रिश्ता था ना वो भी खत्म। चलो निकलो यहाँ से। पता है तुम क्या बोल रहे हो कि पूरा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मम्मी होश में तो मैं अब आया हूँ और जब आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब ये अनजान आदमी के साथ फिसल सकती है तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा सकती है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।